हेलो एवरीबॉडी, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पर आज की चर्चा लेकर के। इसके पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2.02 में हमने कूलाम के नियम की चर्चा की थी, उसमें मीडियम का इफेक्ट पढ़ा था, परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया कि कूलाम का नियम पे माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कूलाम का नियम निर्वात में सबसे अधिक होता है, अर्थात स्पेस में, फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा होता है। और जब चार्जेस को हम फ्री स्पेस से हटाकर किसी भी मीडियम में ले जाते हैं तो उन चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सदैव घटता है, बढ़ता नहीं है। आज थोड़ी बहुत बची हुई प्रॉपर्टीज और चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ की। और उन प्रॉपर्टीज की चर्चा करने से पहले आपको कुछ याद दिला दें। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा सेंट्रल फोर्स। इसमें सेंट्रल फोर्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके बच्चे हैं, जो सेकेंड ईयर के होंगे वो जानते होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, इंटर के बच्चे जो इसमें देखेंगे वो सेंट्रल फोर्स नहीं जानते होंगे क्योंकि उनकी किताब में सेंट्रल फोर्स कोर्स में नहीं है। तो सेंट्रल फोर्स एक इंट्रोडक्टरी के तौर पर मैं आपको बता देता हूं और फिर उसको कूलाम के नियम में देखेंगे कि क्या है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी बिंदु की ओर लगे या बिंदु से परे लगे, एनी फोर्स व्हिच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट आर अवे फ्रॉम ए पॉइंट। एक ऐसा फोर्स जो सदैव किसी निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट हो या उससे अवे दिष्ट हो, उसकी ओर हो या उससे परे हो, और जिसका परिमाण सिर्फ और सिर्फ दूरी पर निर्भर करता हो, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तात्पर्य कि सेंट्रल फोर्स को हम लिख सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर इनटू आर कैप, जहां पर ये फोर्स है जो कि फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ दूरी का। ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अर्थात एक सेंट्रल फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी मीनिंग है कि कोई भी बल जो सदैव किसी निश्चित बिंदु की ओर या परे दिष्ट हो और उसका परिमाण सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आर पर निर्भर करता हो, कहां से डिस्टेंस, उस निश्चित बिंदु से जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर करता हो, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक, सेंट्रल फोर्सेस की खास बात यह होती है कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी, अर्थात सेंट्रल फोर्स, पहली परिभाषा सेंट्रल फोर्स की आपको मालूम होनी चाहिए कि बिंदु की ओर या बिंदु से परे और सिर्फ दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। फिर सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो हर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे सेंट्रल फोर्स। तो बात यहीं से हम कूलाम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। कूलाम का जो नियम है उसमें हमने बात की कि Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो, जैसे मान लीजिए रिपल्सिव फोर्स है तो रिपल्सिव फोर्स Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये जो बिंदु है, पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से सदैव अबे, ऑलवेज अबे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, और उसका नाम क्या रखेंगे हम, F2-1, अर्थात दूसरे पर लगने वाला फोर्स पहले के कारण। ठीक इसी प्रकार Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है इस पॉइंट से अवे होगा, इसको हम लिखेंगे F1-2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक बिंदु से परे दिष्ट हो रहे हैं, एक बिंदु से परे जा रहे हैं। अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तो एक बिंदु से और दिष्ट होते, अंदर की ओर दिष्ट होते। तो ये जो फोर्स है कूलाम का वो पॉइंट से की ओर दिष्ट हो रहा है या पॉइंट से अवे दिष्ट हो रहा है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो दोनों फोर्सेस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हो ये जो फोर्स होता है कूलाम का वो फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के, अर्थात इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी पर ये निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम का जो फोर्स होता है, अर्थात कूलॉम्स का जो फोर्स होगा वो कूलाम्स का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल फोर्स होगा, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है,
इसलिए आप यह बात ध्यान रखें कि सेंट्रल फोर्स होगा, कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो हर प्रॉपर्टी को कूलाम का नियम फॉलो करेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, अगर आपने 11th में पढ़ी है तो, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो, दोनों जगह आपने पढ़ रखी है, दोनों जो भी लोग इसको देख रहे होंगे वो जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन किया गया कार्य अर्थात द वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अर्थात कि कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि कूलाम के फोर्स के अंडर किया गया कोई भी जो कार्य होगा वो भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन क्लोज वक्र में किया गया कार्य अर्थात क्लोज पाथ में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। अर्थात कि हम ए से जाएं बी पर और बी से फिर चले जाएं ए पर तो नेट वर्क डन शून्य होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन क्लोज वर्क में किया गया क्लोज पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसका मतलब यह है कि कूलाम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा भी बंद वक्र में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, पहली कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत किया गया जो कार्य होता है, वर्क डन जो होता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि कूलाम का नियम सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है, इसलिए कूलाम के फोर्स के अंदर में जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन भी क्या होगा, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, और क्लोज पाथ में किया गया कार्य जीरो होगा। तात्पर्य ये है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू और ये आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो पूछा जाएगा किया गया कार्य क्या होगा। तो क्योंकि आप जान रहे हो कि ये दोनों चार्ज जब इसके चारों ओर, ये वाला चार्ज माइनस क्यू इस प्लस क्यू के चारों ओर गति करेगा, तो गति करने के दौरान ये बंद वक्र में चल रहा है, क्लोज पाथ में चल रहा है, तो क्लोज पाथ में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि कूलाम फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। और तीसरा यह होता है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसको हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट के बच्चे ये टर्म नहीं जानते होंगे, बीएससी वाले परिचित होंगे, या सिंपली हम इसको इंटरमीडिएट के फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डीवी बटे डीआर। इसको बोलते हैं कि सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि हर वह प्रॉपर्टी जो कंजर्वेटिव फोर्स की होती है उस प्रॉपर्टी को कूलाम का फोर्स भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बड़ा सिंपल सा बताया, ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं बहुविकल्पियों में कि एक प्लस क्यू के चारों ओर एक माइनस क्यू सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि यह क्लोज पाथ में कार्य कर रहा है। एक जनरल एग्जाम्पल आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो अर्थात इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाने के लिए इसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हाफ एमवी स्क्वायर बटे आर, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड कराएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहें तो इस Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं, E × E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज E होगा और प्रोटॉन पर भी चार्ज E होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये कूलाम के फोर्स के अधीन गति कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसका भी बंद वक्र में किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो कूलाम का फोर्स हर उस प्रॉपर्टी का पालन करेगा जो कंजर्वेटिव फोर्स में होती है। क्यों? क्योंकि कूलाम का फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक, उसके बाद बारी आती है कि कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म
हम लोग जान लें कि वेक्टर फॉर्म हम कैसे निकालेंगे कूलॉम्स लॉ की। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने अगर वेक्टर पढ़ रखा है तो बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्यू वन है और ये चार्ज जो है वो क्यू टू है और ये ओ है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कि आर वन है और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कि आर टू है और इन पॉइंट्स को मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी। तो अब ध्यान दे जरा, या आप यहां पर चाहें तो एक्सिस भी डिजाइन कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है। तो अब हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलाम के नियम की। और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो क्यू टू पर क्यू वन के कारण लगने वाला बल किधर होगा, इधर। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और क्यू टू के द्वारा क्यू वन पर लगाने वाला बल इधर होगा बाहर की ओर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको ऐसे लिखेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम का नियम कहता है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको क्या लिखेंगे, क्यू वन क्यू टू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस ए बी है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको ए बी ही मान के चले, ए बी का स्क्वायर, डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर। अब जब हम डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये पूरा फार्मूला अभी मैग्नीट्यूड में लिखा गया है। इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करें, बहुत ही सिंपल है वेक्टर बनाना। इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए और यहां पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, ए बी। यूनिट वेक्टर लगा दिया ए बी, क्योंकि आप जानते हो कोई भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वेक्टर आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। आप देखिए एफ टू वन, एफ टू वन की फोर्स किधर है, बाहर की ओर, अर्थात ए से बी की ओर। तो हमने जो यूनिट वेक्टर लगाया वो भी क्या है, ए से बी की ओर। और सिंपली ये जो ए बी लिखा गया है, ए बी का स्क्वायर, इसको आप जानते हो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी के मॉड का स्क्वायर। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो कुल मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है ए बी कैप इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी अपान वेक्टर ए बी का मॉड। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं कि वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर बटे वेक्टर आर का मॉड, सभी लोग जानते हैं। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटे वेक्टर का मॉड। तो यहां ए बी कैप जो यूनिट वेक्टर लगाया है उसकी जगह हम ये लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा एफ टू वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। यह आ जाएगा क्यू वन क्यू टू अपान ए बी के मॉड का होल स्क्वायर। और ये ए बी कैप, ए बी कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी बटे वेक्टर ए बी का मॉड। अब आप सभी लोग जानते हैं ये स्क्वायर है, एक और ऐड होगा क्यूब हो जाएगा, तो ये बनेगा, यहां से हटा देते हैं इसको, ये आ जाएगा एफ टू वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपान वेक्टर ए बी के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर ए बी। ठीक, अब यहां ध्यान दें कि वेक्टर ए बी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेक्टर ला लगाते हैं। वेक्टर ला कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर होगा, तात्पर्य कि ओ ए, ओ ए मीन्स दिस वेक्टर प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा, ओ बी। वेक्टर एडिशन के नियम के अनुसार ओ बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। आप सभी लोग जानते हो कि ओ बी, ओ बी का मान जो है वो आर टू है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर टू माइनस आर वन। तो हम वेक्टर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी की जगह लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन। सो व्हाट वी हैव, ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। ठीक, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पर अभी कुछ और चीजें लिखनी है।
तो एबी की जो वैल्यू है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ टू वन इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपान वेक्टर ए बी, सॉरी वेक्टर ए बी का मान रख देते हैं, वेक्टर ए बी का मान क्या है आर टू माइनस आर वन, तो हो जाएगा आर टू माइनस आर वन के मॉड का क्यूब, यहां पर ए बी का क्यूब है और फिर वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी की जगह क्या लिखेंगे बेटा आर टू माइनस आर वन, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। तो ये दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स है पहले वाले के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने की कोई बात नहीं है, तो दूसरे चार्ज पर पहले के कारण लगने वाला फोर्स है और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, ये वेक्टर आया है। इसी प्रकार अगर दूसरा वाला लिखना चाहें तो दूसरे वाले पहले वाले में जहां दिशा जो थी वो ए से बी की ओर थी, पहले वाले में जो दूसरे पर फोर्स लग रहा है उसकी दिशा क्या है ए से बी, तो पहले वाले पर जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा होगी बी से ए, तो यहां पर जहां मैंने वेक्टर ए बी लिखा है वहां बी ए हो जाएगा, और जैसे यहां ए बी निकाला गया है ऐसे अगर हम बी ए निकालें तो वेक्टर बी ए बराबर ये पलट जाएगा सिर्फ, ये हो जाएगा आर वन माइनस क्या बेटा आर टू हो जाएगा, ये आर वन माइनस आर टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यफ टू वन यफ वन टू लिखना चाहें यफ टू वन, तो यफ टू वन को हम वही लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपान, इस बार डिस्टेंस लिखेंगे बी ए के मॉड का क्यूब इंटू बी ई, ये लिखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे, यहां वेक्टर लगा देते हैं उसी पैटर्न पे चलेंगे और ये आ जाएगा जो लास्ट में लिखा गया है। अब ए बी का मान लिख देंगे, ए बी का जब मान लिखेंगे तो एफ वन टू इक्वल टू हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट के, ये आ जाएगा क्यू वन क्यू टू अपान बी ए का मान निकालेंगे तो ए बी जो था आर टू माइनस आर वन था, तो बी ए लिखेंगे पलट जाएगा ये आर वन माइनस आर टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू के मॉड का क्यूब और ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, ये बनेगा। अब आर वन माइनस आर टू तो ये क्या मिला आपको दूसरे चार्ज पर पहले के कारण फोर्स, और ये क्या मिला पहले चार्ज पर दूसरे के कारण फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमने Q2 पर जो फोर्स निकाला वो ये है समीकरण एक में, और Q1 पर जो फोर्स निकाला वो समीकरण दो में है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं टू बोल देते हैं। अब जरा इक्वेशन वन और टू को देख लेते हैं। इक्वेशन वन और टू में ये क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, आप जानते हो मैग्नीट्यूड में जो वेक्टर्स होते हैं अगर उन वेक्टर को आपस में चेंज कर दें तो क्योंकि ये मॉड लिखा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन सेंसिटिव नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, साइन क्या होगा बदल जाएगा। वैसे चाहे यहां बदल दें, यहां जब बदलेंगे तो यहां भी क्या है मैग्नीट्यूड है, आप देख रहे हैं यहां पर क्या है आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम चेंज करें तो चेंज करने पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन यहां पर जब आर वन माइनस आर टू करेंगे तो इसको जब चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन आएगा तो उस माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको हम बदल देते हैं और इसको लिख देते हैं आर टू माइनस आर वन। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करने बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पर माइनस का फर्क है, और उस माइनस के फर्क को जब एनरोल करेंगे तो आ जाएगा यफ टू वन इक्वल टू माइनस यफ टू वन, अर्थात कि पहले पर लगने वाला फोर्स दूसरे के कारण बराबर है और विपरीत है दूसरे पर लगने वाले पर फोर्स पहले के कारण, अर्थात कि जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगाएगा, अर्थात एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर है, अर्थात कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है जिसमें कहते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तात्पर्य यह है कि कूलाम का जब वेक्टर फॉर्म, हम कूलाम के लॉ का जब वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं तो इस डेरिवेशन की मदद से हम यह दिखा सकते हैं कि
कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का पालन करता है, जो कि ये इक्वेशन शो कर रहा है। और करना कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हो F12 में जहां पर यहां R1 - R2 आया था, तो यहां तो मार्ट था, मार्ट के अंदर R1 - R2 को हमने पलट दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्ट लिखा गया है। और उसके बाद यहां पर क्या है, R1 - R2 था, तो उसको हम R2 - R1 लिखेंगे, तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। अब बाकी ये जो बचा इतना चीज, ये पूरा, ये इतनी चीज जो बची, ये पूरी क्या लिखी गई है, F21 ही लिखी गई है, सिर्फ माइनस के साथ, जिसको हमने F21 लिख दिया। इसका मतलब है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, उसके बाद बारी आती है कि न्यूटन कूलाम के नियम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो कूलाम के नियम की अगर हम इंपॉर्टेंस बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हटा देते हैं, कूलाम के नियम की इंपॉर्टेंस ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप सभी लोग परिचित हैं, उसके नाभिक पर धनावेश होता है। कितना धनावेश होता है, प्लस जेडी। प्लस जेडी क्या है, ई क्या है, एक प्रोटॉन पर चार्ज है, और जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि आप जानते हो ये परमाणु क्रमांक है। किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये हो गया नाभिक पर चार्ज, और इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि कूलाम के नियम की अगर इंपॉर्टेंस की हम बात करें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही आता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो बंधन है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बंधन होता है, वो बंधन कूलाम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। अर्थात द बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस इज ड्यू टू कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से इसीलिए बंधा है क्योंकि उस पर धनात्मक नाभिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कूलाम के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार पदार्थों में जब परमाणु एक दूसरे से बंधते हैं, तो परमाणु बंधने की प्रक्रिया में भी क्या होता है कि कूलाम का फोर्स ही रोल प्ले करता है। ठीक इसी प्रकार जब मालिक्यूलों में एटम्स आकर के इकट्ठा होकर मालिक्यूल बनाते हैं, तो मालिक्यूल की बाइंडिंग को बताने के लिए भी हम कूलाम के फोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि गैसों में जब हम अणुओं के बीच का इंट्रैक्शन या वंडरवाल फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर भी हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करते हैं, अर्थात द्विध्रुव द्विध्रुव इंट्रैक्शन या इंड्यूस्ड द्विध्रुव इंडक्शन बोलेंगे उसको। तो द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव के बारे में हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आगे पढ़ेंगे और उन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कूलाम का नियम एटम की संरचना से लेकर के पदार्थ मॉलिक्यूल की संरचना, गैसों की संरचना, गैस के मॉलिक्यूलों के बीच लगने वाले वीक वंडर वाल फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी जगहों पे करते हैं। और इसका इस्तेमाल आपने जिराक्स कॉपी वाली मशीन देखी होगी, जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं, तो लेजर प्रिंटर में भी कूलाम के नियम का इस्तेमाल करके लेजर प्रिंटर बनाए जाते हैं। उसके बारे में हम किसी दिन एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसे कूलाम के नियम का इस्तेमाल करके आपकी फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटिंग मशीन जो होती है वो किसी चीज को प्रिंट करती है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन आपको नहीं बता पाएंगे हम, और जो कुछ भी हम एप्लीकेशन आपको बता पाएंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन आज की चर्चा को हम इस इंपॉर्टेंस पर रोकते हैं और इंपॉर्टेंस के बाद में बात करते हैं लिमिट की। तो कूलाम का नियम जो है वो एटॉमिक डायमेंशन से लेकर, ध्यान दीजिए मैं एटॉमिक कह रहा हूं, न्यूक्लियर नहीं कह रहा हूं, एटॉमिक डायमेंशन से लेकर के और कई किलोमीटर तक लागू होती है। एटॉमिक डायमेंशन से लेकर के कई किलोमीटर तक लागू होती है, लेकिन जो कूलाम का फोर्स होता है वो नाभिक में डोमिनेट हो जाता है। किसके द्वारा डोमिनेट कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा। अर्थात नाभिक के अंदर
कूलाम के फोर्स का क्या एक्शन है ये हम इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि नाभिक का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलाम के फोर्स को डोमिनेट करता है अर्थात उसको हरा देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिकीय डायमेंशन में कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटेड होते हैं। ये हुआ इसकी लिमिट के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि एटॉमिक डायमेंशन से लेकर के कई किलोमीटर तक कूलाम के नियम वैलिड होते हैं लेकिन नाभिकीय डायमेंशन में यह नियम डोमिनेट हो जाता है या फोर्स जो है वीक साबित होता है। किसके सामने? न्यूक्लियर फोर्सेस के सामने, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक, और इस सब के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, जो लोग बहुत ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे तो आपने ये पढ़ा कि कूलाम का जो नियम है वो कूलाम का नियम दो स्टेशनरी चार्जेस के लिए होता है, स्थिर चार्जेस के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं कुछ हद तक। बाकी जब मामला आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अगर हम पढ़ाएंगे वो पेपर, तो वहां भी बात करेंगे। क्या कि आप ये सोच सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो दो रेस्ट चार्जेस के लिए होता है। तो यहां पर तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है ही नहीं, तो कैसे यहां कूलाम का नियम लग रहा है? तो अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी हो तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाने का मतलब कि इसका एनर्जी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और नाभिक से इसकी दूरी सदैव इसी प्रकार बनी रहेगी। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसलिए यहां पर भी कूलाम का नियम लागू होता है। ठीक, अब बात आती है कि इसके एक आध दो न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और नई चीजें चर्चा करेंगे। तो जो लोग न्यूमेरिकल प्रेमी हैं, काफी कुछ ट्वेल्थ के भी बच्चे देख रहे होंगे तो उनको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत आती है, इसलिए उनको मैं कुछ हिंट दे देना चाहता हूं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। मैं एक आध दो न्यूमेरिकल लगा के आपको दिखाता हूं। आप कोई भी किताब ले सकते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनकी कोई बात नहीं। मेरे पास एससी वर्मा की किताब है, इसमें लिखा गया है थ्री इक्वल चार्जेस ऑफ टू माइक्रो कूलाम, तीन इक्वल चार्जेस जिनमें से तीनों दो माइक्रो कूलाम के हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे गए हैं, अर्थात कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह का और तीन चार्ज इसके तीन कॉर्नर्स पे स्थित हैं, दो माइक्रो कूलाम और ये भी दो माइक्रो कूलाम। नाम रख देते हैं ए, बी और सी। कह रहा है कि किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फोर्स निकालने की बारी है, मल्टीपल चार्ज दिए हो तो आप वहां पर डायरेक्शन देखेंगे फोर्स की और वेक्टर एडिशन का ला लगाएंगे, जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तभी आपको बताया था। तो यहां पर चलिए हम ए वाले को ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो सी पर चार्ज है वो ए पर फोर्स लगाएगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सब रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, तो सी जो होगा ए पर फोर्स लगाएगा। तो इसको नाम रख देते हैं ऐसे। क्या बताया था मैंने आपको कि दोनों बिंदु आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अनुदिश या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर फोर्स लगता है, तो क्योंकि रिपल्शन है तो बाहर की ओर लगेगा। इस फोर्स को नाम देते हैं एफ सी, मतलब ए पर लगने वाला फोर्स सी के कारण। ठीक, इसी प्रकार यह भी पॉजिटिव है, यह भी बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको भी लिख देते हैं यहां पर, इसको लिख देते हैं एफ बी। और इसकी जो भुजा दी गई है आपको वो 5 सेंटीमीटर दी गई, अर्थात दिस इज 5 cm, 5 cm और ये भी क्या है 5 cm, सब 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब इसको लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहली बात,
तो क्योंकि ये चार्जेस दोनों बराबर है और इस चार्ज से दोनों की बराबरी सेम है, इसका मतलब एफ बी और एफ सी डायरेक्शन में तो अलग अलग होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तात्पर्य कि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, लेकिन दोनों का परिमाण सेम होगा। क्यों? क्योंकि दूरी भी सेम है और चार्जेस भी क्या है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एफ सी इज इक्वल टू है एफ बी, लेकिन क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दिशा अलग अलग। तो हम चाहे एफ सी लिखे चाहे एफ बी लिखे, तो दोनों फोर्सेस का परिणामी आप बताइए, दो वेक्टर का परिणामी आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, क्या पढ़ा था? अगर दो वेक्टर हो ए और बी, ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, अगर इनके बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तो क्या पढ़ाया गया था? इनका जो परिणामी होगा आर, वो आर बराबर क्या होता था, फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है। ठीक, मार्कर दो नीला होना जरा। तो यहां पर उसी तरह से ए की जगह एक फोर्स है, यहां पर दो वेक्टर है, एक एफ बी है और एक क्या है एफ सी, तो हम उनका परिणामी अगर एफ लिखें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, पहला फोर्स दूसरा फोर्स, और प्लस टू एफ सी एफ बी और कॉस, दोनों के बीच का एंगल देख लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो आगे सी बात है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो यहां पर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एफ सी और एफ बी दोनों बराबर है, तो क्योंकि एफ सी बराबर है किसके, एफ बी के, दोनों का परिमाण सेम है, तो हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी स्क्वायर, एफ सी को एफ सी ही रहने देते हैं और एफ बी की जगह हम एफ सी लिख देते हैं, प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस टू, यहां पर एफ सी एफ सी ये भी हो जाएगा एफ सी स्क्वायर, और इसको भी अभी cos 60 ही रहने देते हैं, मान नहीं रखते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ सी स्क्वायर प्लस टू एफ सी स्क्वायर cos 60 डिग्री। मैं फार्मूला ड्राइव करके फिर न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहा हूं, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लग सकते हैं, इट्स योर विश, ये आपकी इच्छा, ये आ जाएगा, इससे ये होगा कि आपका डेरिवेशन भी होगा, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 एफ सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री। अब यहां पर ये क्या निकल रहा था बेटा, एफ स्क्वायर, अब ये स्क्वायर निकल रहा था तो इसको क्या करिए, एफ निकाल लीजिए, एफ बराबर क्या, रूट ले लीजिए इनका, तो अंडर रूट टू, ये हो जाएगा एफ सी और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका भी क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए सबकी, वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जरा ध्यान दें, वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट टू, अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, उसके बाद एफ सी, एफ सी कौन सा फोर्स है, सी और ए के बीच लगने वाला फोर्स, तो यहां पर Q1 क्या है 2 माइक्रो कूलम, Q2 भी क्या है 2 माइक्रो कूलम, तो फार्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, निर्वात में रखे गए हैं तो के का मान 1 रख सकते हैं, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इत्तेफाक से आप याद करिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10 × 10^9 और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10^9, तो ये वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें तो FC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, FC के लिए लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं FC की वैल्यू, FC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 × 10^9। ठीक, उसके बाद Q1 Q2, Q1 भी 2 माइक्रो कूलम है, Q2 भी 2 माइक्रो कूलम है, तो स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 2 × 10^-6
का होल स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब 5×10^-2 मीटर का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, 2 माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में कन्वर्ट किया, क्योंकि 2 माइक्रो कूलाम को क्या लिख सकते हैं, 2×10^-6 कूलाम, तो वही किया है यहां पर। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एफ सी की वैल्यू रख देते हैं। एफ सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, √2 1.414। फिर एफ सी की वैल्यू रखेंगे, यह आएगा 9×10^9, 2×10^6-6 का होल स्क्वायर अपॉन 5×10^-2 का होल स्क्वायर। और यहां पर बचेगा 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2, और इसका पूरे का क्या रूट। आप इसको हल करेंगे, पूरा गुणा भाग कर लेंगे, ये इतनी चीजें आपको आती होंगी, गुणा भाग कर लेंगे तो लगभग आएगा 24.9 न्यूटन इसका वैल्यू आएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि दिशा बताइए क्या होगी, तो दिशा भी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, या आप डाटा नोट कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। जरा इसको यहां से हटा देते हैं दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि एफ ए की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, सॉरी एफ सी की डायरेक्शन ये है और एफ बी की डायरेक्शन ये है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो ऐसे समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, तो इसकी जो परिणामी होगा वो परिणामी ऐसे जाएगा, परिणामी जो होगा वो 60 डिग्री का आधा होगा तो 30 डिग्री पर आएगा, अर्थात इसकी डायरेक्शन जो होगी वो 30 डिग्री पर होगी। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी सिंपल सी, और इस सिंपल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखकर किसी एक कॉर्नर पे हमने क्या ज्ञात किया है, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात किया है और उसकी डायरेक्शन भी बताई है। इसी तरह से आपको स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे दिया जा सकता है। ठीक, एक न्यूमेरिकल और हम चर्चा करना चाहेंगे जो कि हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर से संबंधित है और बड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम की रेडियस वाली ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए और इसकी वेलोसिटी निकालिए, बस इतना सा दिया गया है, आप ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, फोर्स और वेलोसिटी। ये दिया गया है कि प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के दौरान उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है, ये बोर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस भी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और कह रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी निकालिए, दो चीजें निकालनी है। तो बड़ा आसान सा है, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए लिखेंगे F=1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2। आप जरा बताइए 1/4πε0 का मान होता है 9×10^9, Q1 प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई, अपान आर स्क्वायर दूरी कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10^-10 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9×10^9, और इसको लिख सकते हैं 1.6×10^-19 का होल स्क्वायर अपान 0.53×10^-10 का होल स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, गुणा भाग करना है, इसकी वैल्यू लगभग आती है 8×10^-8 न्यूटन, ये फोर्स है। अर्थात कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बोर की प्रथम ऑर्बिट में चक्कर लगाता है
तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन होता है। आप चाहे तो इस माइनस साइन को लगाएं और चाहे इसको परिमाण में ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आप इसकी वेलोसिटी बताइए। तो आप बताइए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जरा इसको डिलीट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो कितना होता है बेटा, mv² / r। तो इसको वृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा है, एफ है। अर्थात ये सेंट्रीपिटल फोर्स कूलाम के आकर्षण बल के बराबर होगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए, क्या लिखना है आपको, mv² / r = f। यहां से v² = क्या लिख सकते हैं, f(r)/m। वैल्यू रखिए, f का मान अभी आपने निकाला है 8.2 × 10⁻⁸ इंटू आर की वैल्यू, आर कितना था 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻¹० मीटर, बटे ये मास है, किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इसको आप हल करेंगे तो b की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली, अब तो कुछ करना नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसको आप हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 2.16 × 10⁶ m/s। अर्थात कि अब इस जरा डाटा को देखिए, जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में सिर्फ एक नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी कितनी ज्यादा स्पीड होती है, स्पीड कितनी है 2.16 × 10⁶ m/s। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 216, और यहां पर 2 दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा ये 1, 2, 3, 4 m/s। इसका मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है प्रथम ऑर्बिट की ये बात है। क्योंकि आप यहां से 2 पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा क्या, 10⁴, 4 0 यहां लगा देंगे, सिंपली इतना मीटर पर सेकंड। दिस इज अ ह्यूज स्पीड, ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। बहरहाल ऐसे लिखते नहीं है हम लोग, लिखते हमेशा ऐसे 2.16 × 10⁶ m/s, ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी पर लगभग, इस वेलोसिटी से थोड़ा सा आगे जाने पर रिलेटिविस्टिक प्रभाव आने लगते हैं, आइंस्टीन की रिलेटिविटी वाला, जहां पर मास बैरी कर जाता है। बहरहाल अभी मास बैरी नहीं कर रहा है और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ही डोमेन में आएगा। तो हमने कूलाम के नियम को जाना, कूलाम के नियम की इंपॉर्टेंस जानी, उसकी लिमिट जानी, और कूलाम के नियम के आधार पर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल लगा करके दिखाए सिंपल से। ये दोनों न्यूमेरिकल यस्सी वर्मा की किताब के हैं, आप किसी भी किताब से लगा सकते हैं न्यूमेरिकल, ये आपकी इच्छा, मैं कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और अगर इच्छा होगी तो कुछ और न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके आसपास जो भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जिनको कुछ समझने में कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होती है, उसी से वीडियो को देखें, और कोई कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ही आपको अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नई एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राजन चतुर्वेदी का नमस्कार।